मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी श्रोताओं का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बाईपास रोड आगरा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आज की भजन संध्या में आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ। आज हमारे बीच योग गुरु और वरिष्ठ योग शिक्षक श्री एस के सक्सेना जी हैं, जो रिटायर्ड इंजीनियर भी हैं और बहुत लंबे समय से योग साधना में लीन हैं। आप मुंगेर स्कूल ऑफ योगा से योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सीनियर योग शिक्षक भी हैं और विभिन्न पार्कों में आज भी कॉलोनी वासियों को प्रातःकालीन बेला में योग सिखाती हैं और योग का प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अलावा समय समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी उनको बुलाया जाता है। इसलिए हमने सोचा कि आप सबको योग के बारे में गहन चिंतन करवाएं और योग के बारे में जितना सब कुछ हो सके वो हम बताएं। मैं भी अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। मैं अष्टांग योग से संबंधित हूँ। अष्टांग योग मेरा फील्ड है, उस पर हम कभी फिर दोबारा वार्तालाप करेंगे। और मैं एक पत्रकार भी हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ। मेरा इंटरव्यू लेना शौक है। मैं ये जो वीडियो आपको मंदिर प्रांगण से बना के पोस्ट करता हूँ, इसके पीछे सिर्फ जन कल्याण की भावना है, ताकि हमारा ज्ञान विचारों पर बिखरा पड़ा है उसको हम आप तक पहुँचा के आपके जीवन को सार्थक बना सकें। भगवान की असीम कृपा से जिस मंदिर में हम बैठे वार्तालाप कर रहे हैं उसे बनाने का सौभाग्य भी मिले 2005 में हुआ और 2002 से 2005 के बीच में हमने इस मंदिर को बना के आपके दर्शनों के लिए उपस्थित किया, खोल दिया। और आप जब भी आगरा हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन करने आवश्य। ये भगवान ज्ञानदेव और गंगा माता का पहला मंदिर है जो सचिव की थीम पे हमने निर्मित किया है। इसके लिए हम कभी गहन चर्चा बाद में करेंगे। हम विषय वापस लौटते हैं और आज का जो विषय है वो है योग मानव जीवन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि हम योग क्यों करते हैं, इसकी जीवन में क्या आवश्यकता है। इस विषय पे हम योग गुरु श्री एस के सक्सेना जी से कुछ सवाल करेंगे और वो उसका जवाब अपने हिसाब से देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गोपाल वर्मा साहब। मेरा सौभाग्य है कि मुझे योग के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ये माध्यम आपने प्रदान किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आप जो भी मुझसे प्रश्न करेंगे योग के बारे में, मैं सहज सरल और व्यवहारिक भाषा में उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। विषय को ज्यादा गूढ़ और गंभीर बनाने से मैं बचूंगा। तो मेरा पहला सवाल सक्सेना जी आपके लिए ये है कि आप ये बताइए कि सब योग का इतिहास क्या है और क्या भारत योग गुरु है? निसंदेह मैं जो बाद में पूछा गया है उसका जवाब पहले देता हूं। क्या भारत योग गुरु है? भारत ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का भारत के ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया और उसके बाद में जो पांचांग कैलेंडर बनाया, पांचों अंगों जो सृष्टि के पांच अंग हैं उन पर आधारित, उनका आभार जो नासा की लैब है यूएसए की,
वो प्रकट करती है और वो सारी उसी पर बेस्ड है। ये हमारी सृष्टि का जो अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने किया इसी पर ही आधारित है। दूसरा आपका जो पहला प्रश्न था वो योग का इतिहास, योग का इतिहास, योग का इतिहास इतना पुराना है जितना मानव का इतिहास पुराना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब मानव डेवलप हुआ तब उसने इसका अध्ययन किया, और योग जो आगे के प्रश्नों में आएगा तो मैं बताऊंगा कि योग क्या है और योग कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सिस्टर जी कि योग की असली परिभाषा क्या है और क्या हम लोग प्राणायाम को योग मान लें जैसे कि आम जनता इसे मान के चलती है। योग की परिभाषा, हमारा जो शरीर है और जो मस्तिष्क है और जो मन है, आत्मन, आत्मा कहती है हमें स्वस्थ रहना चाहिए, प्रातःकालीन वेला में पार्क में जाकर खुले स्थान पर प्रकृति के सानिध्य में योग करना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है कि आराम से एसी में पड़े सोते रहो, इससे अच्छी वेला नहीं आएगी, प्रातःकालीन वेला नींद की और आराम की, और शरीर उसका साथ देता है। तो जो आत्मन कहे, जो मन कहे, वही बुद्धि शरीर से मिलकर करे, यानी मन, मस्तिष्क और शरीर, आत्मन, मस्तिष्क, बुद्धि और शरीर, इनका सामंजस्य ही योग है। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, इट इज योग। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए साहब, योग का मानव जीवन में महत्व क्या है, इसके अलावा हम लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता कितनी है? आजकल हमारे जीवन में योग की महत्ता जो वर्तमान देश काल, परिस्थिति और समय के अनुसार पिछले वर्ष बनी, उसके बाद में लोगों ने जाना कि योग क्या है और योग क्यों आवश्यक है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो पहले हमारी लाइफ स्टाइल थी, पहले हम चारपाई पर सोते थे, अब हम डबल बेड पर सोते हैं जिसमें चार चार इंच मोटे गद्दे होते हैं, हमें सर्वाइकल की शिकायत होती है। जो घर में चटनी बनती है वो मिक्सी में बनती है, उसे लुढ़िया से हमारी फिंगर टिप्स को दबाया नहीं जाता, दबते नहीं है। तो जो हमारे पहले जो मुट्ठी बंद करके रई चलाते थे, सुबह दही मिलोते थे, तो वो लाइफ स्टाइल, और जो सुबह से शाम तक अपने जो पूर्वज, जो हमारे गाय भैंस बैल थे उनकी सेवा करते थे, खेत में सेवा करते थे, तो जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, उस लाइफ स्टाइल की चेंज होने की वजह से इस योग की महत्ता बढ़ गई। जो हमें डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो एस्थमा हो, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते। डायबिटीज के लिए हम कोई काम, शारीरिक काम, शारीरिक रूप से हम कोई काम नहीं करते, हर चीज के लिए बटन है। एक मधुमेह की दुकान के डॉक्टर पर बोर्ड लगा हुआ था, उसमें ये था, एक चित्र बना हुआ था, उसमें ये था कि डायबिटीज पेशेंट डोंट यूज रिमोट। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कलर चेंज करने हैं, अगर आपको चैनल चेंज करना है, साउंड चेंज करनी है, तो आप बार बार उठकर जाइए टीवी के पास, और टीवी के पास से लौट के फिर अपने स्थान पर आके बैठिए। तो इसी बहाने आपकी एक्सरसाइज होगी। हम एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम की बात, डीप ब्रीदिंग की बात, हम, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम एसी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे हम कार में ट्रेवल करें, चाहे हम घर में रहें, एसी हमको चाहिए, और वातानुकूलित बनाने के लिए हम
ये कोशिश करते हैं कि हम प्राणायाम न करके जो आर्टिफिशियल मीन्स हैं उनको करें। हम अपने शरीर का पसीना नहीं निकलने देते। शरीर से पसीना निकलता है तो हमको या तो हवा चाहिए या हमको एसी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा सर, ये बताइए कि योग की परिभाषा क्या है और इसके अलावा जैसे कि आम जनता सिर्फ प्राणायाम को योग मान लेती है, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए कि प्राणायाम तो योग कंप्लीट नहीं है, वो तो अष्टांग योग का एक पार्ट। योग के मामले में महर्षि पतंजलि ने जितना गहन अध्ययन किया उससे अधिक मैं समझता हूं अन्य ऋषि मुनियों ने किया होगा, लेकिन उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि योग जो है वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग नहीं है, वो सिर्फ प्राणायाम नहीं है, वो सिर्फ नटबाजी कलाबाजी जो करते हैं कहते हैं साहब योग हो रहा है, वो नहीं है। योग जो है, योग के आठ अंग हैं। उसमें है यम, नियम, संयम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहला यम है। यम का मतलब संयम, जो हमें खुद अपने अंदर से करना है। नियम, जो बाहर के ऋषि मुनियों ने हमको बताए हैं, हमको समझाया। तो यम, नियम, आसन, जो हम अपने शरीर की प्रक्रियाएं करें। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वी शुड इंजेक्ट द ऑक्सीजन इन अवर फिजिक। हम अपने शरीर को ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगाएं। जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ईश्वर ने अपने शरीर को प्रक्रिया ऐसी दी है कि वो हमको ईश्वर इनहेल कराने के लिए ऑक्सीजन ही इनहेल हमारा शरीर ग्रहण करता है, और उस शरीर में जब प्रक्रियाएं होती हैं तो उसके बाद में शरीर से प्रक्रियाएं होने के बाद में जो श्वास प्रश्वास बाहर निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो दूषित हवा होती है, और उस दूषित हवा का उपयोग प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक है। तो पेड़ प्रकृति जो हमें जो योग करना चाहिए प्रकृति के सानिध्य में करना चाहिए, वो हम जब योग करेंगे तो जो ऑक्सीजन लेंगे हम पेड़ पौधों से पार्क में जाकर, तो उसके बदले में हमें कुछ तो देना है और कुछ देने के लिए हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेंगे। अच्छा, अभी बताइए सर, योग शुरू करें हमारे भाई बहन तो उनको सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनको क्या सुविधा चाहिए और क्या सामग्री चाहिए, मतलब प्री योग। देखिए, योग के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है समय, और जब हम समय के लिए करते हैं तो हमारी वेशभूषा जो पता लगना चाहिए कि हम योग करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं हनुमान जी ने भी ड्रेस कोड का पालन किया था। विकट रूप धरि लंक जलावा, जब उन्हें लंका जलाने की बारी आई तो अपने शरीर को विशाल कर दिया, और सूक्ष्म रूप धरे सिया ही दिखावा। और जब माता सीता के पास जाते हैं तो बहुत छोटे से, नन्हे से, सूक्ष्म रूप में बालक बनकर माता सीता की सेवा में जाते हैं। तो ड्रेस कोड हमें बहुत आवश्यक है। हमें लगना चाहिए देखने वालों को कि हाँ, हम योग करने जा रहे हैं या योग करके आ रहे हैं। तो उसमें हमें अपने कपड़े लूज रखना चाहिए, और अच्छा हो कि हम प्रकृति से मिलते जुलते कलर का एक कलर थेरेपी और चल गई आज भी, आज एक जो कलर थेरेपी चली है आज, उसमें भी कलर के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क की क्रियाएं संतुलित करने के लिए कलर थेरेपी से भी इलाज किया जाता है। तो जो हम योग करने पार्क में जाते हैं तो हमारे ड्रेस जो है
वो ऐसी होना चाहिए जिसमें हम एक्सरसाइज करते समय, प्राणायाम करते समय, अब कर तो रहे हैं प्राणायाम और लगा रखी है टाई, तो वो नहीं चलेगा। हमारे जो वस्त्र होने चाहिए वो ढीले ढाले होने चाहिए लेकिन सुचारू होने चाहिए, जिससे हमारा अंग संचालन आसानी से हो सके, डीप ब्रीदिंग हम आसानी से कर सके। और सामग्री में एक मैट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आवश्यक है कि हम डायरेक्ट ग्रास पर, डायरेक्ट भूमि पर ना बैठें। हमारे शरीर और जो जिस तल पर हम बैठकर कर रहे हैं उस पर कुचालक पदार्थ होना चाहिए। उसके लिए अच्छा है कि हम चटाई का इस्तेमाल करें, लकड़ी का इस्तेमाल करें, तख्त का इस्तेमाल करें। कुर्सी पर भी बैठे हों तो कुर्सी बिना हत्तेदार होनी चाहिए, कुर्सी में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती है उस पर कोई सरफेस उसकी प्लेन होती है, आजकल तो डाइनिंग टेबल को भी कुशन टाइप उसमें रूप देने लगे हैं लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डाइनिंग टेबल का जो स्टैंडर्ड है, जो भोजन के लिए है, तो वो हमारा पेट स्ट्रेट रहे, क्योंकि हमें स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। और स्पाइन स्ट्रेट रखने में जब हम योग करेंगे तो स्पाइन स्ट्रेट रखने में, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में, बिल्कुल सहज भाव से सीधा रखना है, उसमें कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सहज भाव से मेरुदंड को सीधा रखते हुए हम योग, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज इन्हें करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि योग करने का उचित समय क्या है, सुबह या शाम? इसके अलावा कितनी देर योग करना चाहिए और किन लोगों को योग नहीं करना चाहिए? समय के बारे में सबसे अच्छी वेला है प्रातःकालीन वेला, और हमें निहार मुंह करना चाहिए, मतलब हमारे भोजन नहीं होना चाहिए उस समय, खाली पेट करना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह गुनगुने पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए ताकि पेट साफ हो सके, और पेट साफ होने के बाद में खाली पेट प्रातःकालीन वेला में करना चाहिए। जितना फायदा, जितना लाभदायक प्रातःकालीन वेला में है, उतना हम सायंकालीन वेला में योग नहीं करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग के लिए प्रातःकालीन वेला ही उचित समय है। हम सायंकालीन वेला में योग के बारे में अध्ययन तो कर सकते हैं, ट्यूटोरियल ले सकते हैं, लेकिन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और जो सूक्ष्म एक्सरसाइज है तो उसमें समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए प्रातःकालीन वेला ही उचित है। अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और हम शिक्षा की ओर आते हैं। हम चाहते हैं आप बताएं हमें कि योग शिक्षा कितनी जरूरी है और वर्तमान में योग शिक्षा की स्थिति क्या है। योग शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारे लिए गीता आवश्यक है। योग हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को नियंत्रण में कैसे रखें। आज हमें अपना जीवन यापन करने के लिए हमारे सामने बहुत संघर्ष हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो जितना ट्रैफिक मिलता है तो सबसे पहले तो हमें ही डर लगता है कहीं हम टकरा ना जाएं पैदल जा रहे हों। अगर हम अपनी सवारी से जा रहे हैं कहीं सवारी ना टकरा जाए, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो एक सकारात्मक प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में डेवलप होनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य तक, चाहे हमें रेलवे स्टेशन जाना हो, चाहे हमने जो लक्ष्य तय कर रखा है अपने जीवन में, उसको पाने के लिए वो योग बहुत आवश्यक है। हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर नियंत्रण हो तो हमें योग करना चाहिए। अच्छा। बारिश हो रही है, हमारा शरीर कहेगा कि नहीं मैं भीग जाऊंगा, लेकिन बुद्धि जब उसका साथ देगी तो बुद्धि कहेगी नहीं हम छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें जब मन कहेगा, आत्मन कहेगा कि नहीं हमें लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो हम
बिना बारिश की चिंता किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहुंच जाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यही योग की खासियत है। और प्राइमरी एजुकेशन से जो शुरू की शिक्षा है उसमें योग अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे उसको डेवलप करके जब बच्चे BA MA ग्रेजुएशन की स्थिति में आएंगे तो वो अपने आप को इतना परिपक्व पाएंगे कि वो किसी भी समस्या को, हमारे जीवन में बहुत समस्याएं, उस समस्या को फेस कर सकें। अच्छा, भगवान में योग अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए क्या क्या, कौन कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ जाके वो प्रैक्टिकल सही योग सीख सकता है? मैंने स्वयं जो योग किया है, आदरणीय वर्मा जी ने मेरा परिचय देते समय बताया था, उस समय सबसे पुराना जो योग का स्कूल था वो था बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर बिहार, जो आजकल योग विश्वविद्यालय है। उसके बाद से बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो गूगल पर उपलब्ध हैं और निशुल्क भी योग कराती हैं और शुल्क लेकर भी योग कराती हैं, चाहे वो गायत्री परिवार की संस्था हो, उसमें भी मैंने योग प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी, उनको प्रणाम करते हुए, उन्होंने भी योग के प्रति बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जो पूरे विश्व में विख्यात हैं, जिन्होंने एक पैसा नहीं लिया और पूरा योग साम्राज्य खड़ा कर लिया, पूरे शैक्षणिक संस्थान खड़ा कर लिए और योग के बाद में वो आयुर्वेद पे जुड़े, उसके बाद में शिक्षा पे जुड़े, उसके बाद में कृषि पर जुड़े, तो जो बहुत बड़ा काम किया है वो योग ऋषि स्वामी रामदेव ने किया है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक विश्वविद्यालय, जो हम योग जो स्थानीय लोग भी सिखाते हैं जीविका कमाने के लिए, उसमें अच्छी बात है, कम से कम जीविकोपार्जन के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें गुरु सोच समझकर बनाना चाहिए और दान भी सोच समझकर देना चाहिए। ऐसा मैंने हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम गुरु भी सोच समझकर बनाएं और दान भी सोच समझकर दें। आप हमें हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकारी और गैर सरकारी प्रसार प्रचार योग किन कितने हैं इंडिया में और विश्व में, मतलब जहाँ से कि जो मेन केंद्र जहाँ से कि आजकल ये सब योग का प्रचार प्रसार हो रहा है? योग का प्रचार प्रसार सबसे पहला उसका माध्यम है हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन योग क्रियाएं कराता है, विभिन्न चैनल उसके लिए करा रहे हैं और ये बहुत बड़ा फील्ड हो गया है और इसके लिए आदरणीय वर्मा जी भी सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न सेवाएं जो YouTube पर अवेलेबल हैं, मेरी भी क्लास YouTube पर है, उसमें ऑडियो क्लास भी है और वीडियो क्लास भी है, तो मैंने भी योग में थोड़ा कदम रखा है। तो हम गूगल पर जाएं और गूगल पर जाने के लिए मेरा, अगर आप मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो मेरी क्लास देखने के लिए मात्र YouTube पर योग क्लास SK Saxena टाइप कर दीजिए, आपको मेरी योग क्लास खुलकर आपके सामने आ जाएगी। और आप जहाँ तक उसके लिए जानना चाहें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से केंद्र हैं, तो उसके लिए आपसी ज्ञान और गूगल की मदद और सचेत होकर किसी भी संस्था को ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल फर्जी संस्थाएं बहुत हो गई हैं। योग के माध्यम से जीविकोपार्जन करना अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं ऐसा ना हो धोखे में पड़ जाएं, इसलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अच्छा, बात को ये समाप्ति को लेते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योग का भविष्य क्या है विश्व में, और हमारे नव युवक जो अभी अपना करियर बना रहे हैं वो योग में
क्या कह रहे हैं ब्रदर यूको भाईजान के लिए, उनको कितना पैकेज तक मिल सकता है? योग का पैकेज अगर ये बात सीखनी है तो यूएसए वालों से सीखिए। यूएसए में योग क्लास के वहाँ पर क्लास के $50 यानी भारत के हो गए करीब 3,500 पर क्लास वहाँ लगता है और मंथली चार्जेस बहुत अच्छे हैं, लोगों ने पेटेंट करा रखे हैं और वहाँ योग का भविष्य। हमारे एक मित्र हैं तो वो ऑनलाइन क्लास योग क्लास अटेंड करते हैं और वो क्लास चलाते हैं बंगलौर से और अच्छे खासे उसके चार्जेस हैं। हमारे कुछ मित्रगण, हमारे कुछ योग साथी पुराने जो छोटे भ्रातागण हैं और सेवा दे रहे हैं और सेवा शुल्क लेते हैं तो वो भी अच्छी खासी शुल्क लेते हैं और लोग ये देते हैं बड़े प्रेम से। वो कहते हैं हमारे शरीर से ज़्यादा पैसा नहीं है, हम इनके ऊपर जो योग सीखने में पैसा खर्च कर रहे हैं इनके बहाने आने से हम सुबह उठ जाते हैं कि भाई हमारे पैसे खर्च किए हैं तो हम कुछ सीख लें। तो और योग की भविष्य के बारे में बता दें, जब से ये कोरोना काल आया इसने ये बता दिया कि जब तक हम अपने तन के प्रति सजग नहीं रहेंगे और तन के प्रति हम अपनी बुद्धि को जागरूक नहीं रखेंगे और तन बुद्धि को जागरूक रखने के लिए जब तक हम अपने आत्मबल को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मन मस्तिष्क शरीर, इनका सामंजस्य योग, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, यही योग है। अच्छा आखिर में ये बता दीजिए कि हमारे मेन योग के प्राणायाम, मतलब जो हम योग करते हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, कपालभाति, ये सब जो मेन मेन है वो कम समय होने के बाद कितना करना चाहिए और ज़्यादा समय हो तो क्या कितना आगे तक करें? योग के बारे में कितनी देर तक करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम प्रातःकालीन वेला में कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें और जो शुरुआत करते हैं तो उनसे जो मंत्रोच्चारण करते हुए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जो ये ग्रंथियां हैं तो इनको जो हमारे जो शरीर में जो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि है और ये थायराइड ग्लैंड है, इन सब के संतुलन के लिए ये प्रॉपर वे में संतुलित रूप में श्रवण करें। थायराइड है ये भी संतुलित रूप में श्रवण करें तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम मोटापे को कम करने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए और हमारा जो पेट भर जाता है इसके लिए मोटा मोटी बता रहा हूँ, इससे बहुत फायदे हैं। इसके बाद में जब हम भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, कपालभाति प्राणायाम कर दें तो इसके लिए ये भस्त्रिका, कपालभाति और उसके बाद में बाह्य प्राणायाम, और बाह्य प्राणायाम करने के बाद हमें करना चाहिए ये जो गले से संबंधित प्राणायाम है तो उसको क्या नाम है उसका, उज्जयी प्राणायाम, तो वो उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए और उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम इनको याद कैसे रखें? तो हम भगवान शब्द को याद रखते हैं, भासे भस्त्रिका, गातों का से रिप्लेस कर दीजिए कपाल भाति, वासे वाह्य और ना के अनुसार से, ना के साउंड से अनुलोम विलोम आता है लेकिन उससे पहले उज्जयी प्राणायाम जोड़ा गया है तो भगवा उन शब्द हो जाता है। तो भासे भस्त्रिका, गातों का से रिप्लेस किया कपाल भाति, वासे वाह्य, उसे उज्जयी और ना के अनुस्वर से अनुलोम विलोम और भगवान के प्रति शब्द हो गया भगवान उन, और भगवान के प्रति भावना होती है तो उसमें हमें भासे भ्रामरी
उ से उद्गी और ना से नाड़ी शोधन, तो शब्द हो जाएगा भावना, तो भगवा उन भावना, तो ये हमें करना है, यही क्रम होना चाहिए। और कितनी देर करना चाहिए, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी करा रहे हैं और हमारा शरीर थक रहा है और जाके घर जाके सो गए। सर किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को बीमारी है या कोई परेशानी है तो किन लोगों के लिए अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सा योग नहीं करना चाहिए? जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम से कम 6 महीने से साल भर तक बचना चाहिए। और उसके बाद में धीरे धीरे, इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं प्राणायाम करने की, धीमी, मध्यम और तेज। तो जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या जो बीमारी से निवृत्त होकर उठे हैं उनको धीमी गति से करना चाहिए। हम जो लोग करते हैं नॉर्मल वे में, तो हमारी गति धीमी और मध्यम के बीच रहनी चाहिए। बहुत पुराने अभ्यासी इसको तेज गति से कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम जब श्वास अंदर भरते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स शुड स्ट्रेच आउट, हमारा वक्ष स्थल फूलना चाहिए। और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा डायफ्राम खाली होना चाहिए, यानी हर श्वास के अंदर भरने के साथ हमारे जो ये फेफड़े हैं ये फूलने चाहिए। ये प्राणायाम की प्रक्रिया। बहुत सुंदर सतगुरु जी, आपने हमें योग के बारे में इतना सब कुछ बताया, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को अवश्य पसंद आएगा। मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपसे कभी और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे इस YouTube माध्यम से और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी आप किसी वक्त कर लीजिए, तो आपको सब सूचनाएँ इन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपकी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।